So now is the time to move on to one of the crucial steps, and that is to understand the settings. Settings kya hai? Maine aapko pehle bhi thoda sa bataya tha, but I'm going to reiterate that the settings is the brain of WordPress. This is the part of WordPress jidhar se WordPress ko aap control kar sakte hain. Please do not underestimate the settings area, kyunki is area se everything about WordPress is being controlled and is being run. और याद रखें कि अगर आप इस एरिया में कोई भी चीज़ गलत करेंगे तो यू विल स्क्रू अप द होल वेबसाइट. पूरी आपकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप जो है इस एरिया को गलत कर देंगे. सेटिंग्स का आपने ध्यान रखना, और ये मैं ऑब्वियसली आपसे ज़रा थोड़ी फ्रेंकनेस इसलिए शो कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन दैट, कि अगर आप कोई भी एक छोटी सेटिंग गलती से मूव कर दें, इधर उधर कोई चीज़ गलती से मूव कर दें, चेंज कर दें, तो आपकी साइट डाउन हो जाएगी. और जिस तरह मैंने आपको पहले भी अभी दिखाया था कि एरर आ रही थी मेरी साइट में, वर बिकॉज आई मस्ट हैव यू नो चेंज सम सेटिंग. सो बी वेयर कि ये सेटिंग्स वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपने बड़े आराम से देखना है, बड़े आराम से पढ़ना है. अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, आपने घबराना नहीं है. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सी, एंड यू हैव टू बिलीव. अपनी कम्युनिटी से पूछें, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है तो ट्राई टू आस्क पीपल इन द कम्युनिटी कि ये फंक्शन क्या करता होगा, कैसे हम इसको ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर कम्युनिटी नाउ. अब आप अकेले नहीं हैं, यू आर पार्ट ऑफ अ बिग कम्युनिटी आउट देयर, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें फ्रीलांसर्स हैं, जिसमें स्मार्ट वर्कर्स हैं. यू आर पार्ट ऑफ एन अमेजिंग कम्युनिटी आउट देयर. सो डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर हेल्प एंड टू आस्क क्वेश्चंस. सवाल पूछ के ही आपको जवाब मिल सकते हैं, जवाब ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाते. सो सवाल पूछते रहें, बिकॉज सवाल पूछने से ही यू वुड फाइंड द आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू वुड फाइंड द पाथ दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू वुड फाइंड द रोड यू आर लुकिंग फॉर दैट विल लीड यू टू सक्सेस. सो बात करते हैं दोबारा सेटिंग्स के बारे में. कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, फिर साथ ही साथ कुछ सेटिंग्स हैं जो रीडिंग से रिलेटेड हैं, डिस्कशन है, मीडिया से रिलेटेड हैं, परमा लिंक्स है, बट हम ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं जर्नल सेटिंग्स के बारे में. तो जर्नल सेटिंग्स क्या होती हैं? जर्नल सेटिंग्स आर सेटिंग्स विच परटेन टू द जर्नल फॉर्म ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट, स्टार्टिंग विद द यूआरएल. मेरी आपको सजेशन है, प्लीज इस एरिया को ना छेड़िएगा. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर वेबसाइट इज टू टच द सेटिंग्स पार्ट. अगर आपने इस एरिया को टच कर दिया और अगर कुछ यहाँ पे ख़राब हो गया तो आपकी साइट तो गई. तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस एरिया को, ख़ास तौर पे जनरल सेटिंग में जो यूआरएल वाला एरिया है, इसको ना छेड़ें. अगर आपकी साइट अच्छी भली चल रही है तो उसको प्लीज़ चलते रहने दें, इसको ना छेड़ें. या अगर आपने इसको छेड़ना है तो देन बी ब्रेव, फिर जिगरा रखें, क्योंकि आपकी साइट खराब हो सकती है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज अ फ्यू थिंग्स हियर बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न एंड सी वट हैपन्स, यू आर फील फ्री टू डू दैट एंड यू वेलकम टू डू दैट. बट फॉर दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू मेक इट वर्क, आपसे एक दरख्वास्त है, एक आपको सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस एरिया को ना छेड़िएगा. उसके साथ साथ आपके पास एक है ऑप्शन जिसमें आप अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी साइट की डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं. काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर क्या हम अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी साइट का यूआरएल बाद में नहीं चेंज होता, लेकिन आप अपनी साइट को बड़े आराम से, ख़ास तौर पे जो उसका नाम है और डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं.
आप अपनी साइट की टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि टाइम जोन हम अपने लिहाज से रखें या अपने यूज़र्स के लिहाज से रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको अपने यूज़र्स के लिहाज से रखें। साथ साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन इनेबल या डिसेबल करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और कुछ और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिस तरह लैंग्वेज जिसको आप कर सकते हैं। तो आपको वही यूज़र्स नज़र आ रहे हैं, एडमिन, बबलू और सलमा, ये यूज़र्स मैंने आपके लिए ऐड किए थे, बट वी एक्चुअली वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लोर सेटिंग्स। सो लेफ़्ट साइड पे आपको सेटिंग्स का एक बार नज़र आएगा, आप इस बार पे जाके जर्नल पे क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स। सबसे पहले है साइट टाइटल, तो मैं साइट टाइटल को बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरी साइट का टाइटल है डीजी स्किल्स विद साद हामिद, बट आई वॉन्ट टू चेंज इट टू डीजी स्किल्स वर्डप्रेस विद साद हामिद, और आपको लाइव नज़र भी आएगा कि साइट चेंज हो गई है। एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव, एंड जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा यू विल सी कि द साइट विल अपडेट। साथ ही साथ इसमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं चेंजिंग की, जिस तरह टैग लाइन है, आई वॉन्ट टू चेंज द टैग लाइन ऑफ माई वेबसाइट एंड आई वॉन्ट टू कॉल इट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीलांसर्स एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मार्ट वर्कर्स। इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज माई ई मेल एड्रेस एज वेल, ये भी मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन इनेबल करना चाह रहा हूँ तो मैं वहाँ पर वो भी चेंज कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द टाइम जोन विच इज सेट टू कराची राइट नाउ, आई कैन चेंज इट टू समवेयर वेयर माई क्लाइंट्स आर सिटिंग, तो अगर मेरे सिडनी में क्लाइंट्स बैठे हुए सो आई कैन चेंज इट टू सिडनी। डेट फॉर्मेट चेंज करने की भी मेरे पास ऑप्शन है, और साथ ही साथ मैं टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आई कैन चेंज वेन द वीक स्टार्ट्स। सो अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं या सऊदी अरब में हैं, वो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका दिन स्टार्ट होता है संडे से। सो आई कैन क्लिक ऑन ऑल दीज सेटिंग्स एंड आई कैन चेंज वेरी इजीली। बी वेयर टू नॉट चेंज द वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, प्लीज़ डू नॉट चेंज दिस, और साइट एड्रेस भी प्लीज़ मत चेंज करें। अगर आप इसको चेंज करेंगे योर साइट विल गो डाउन। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में डू नॉट टच देम। सो दिस इज़ इट फॉर द सेटिंग्स जर्नल एरिया। प्लीज़ हमारी कम्युनिटी पे शेयर करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और हमारे साथ बात करें। हम आपके साथ इसलिए बात करना चाह रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू टर्न यू इंटू एन एंटरप्रेन्योर, वी वॉन्ट टू टर्न यू इंटू अ फ्रीलांसर एंड अ स्मार्ट वर्कर। हम अकेले नहीं कर सकते, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, मिलके वी आर गोइंग टू डू दिस टुगेदर।